तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका फिर से नए दमदार गेम प्ले वीडियो में। गाइस तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंडमोड में दो ट्रैक्टर कैसे लें। तो गाइस, न्यू अपडेट में एक नई सेटिंग ऐड हुई है जिससे गाइस आप दो ट्रैक्टर एक साथ चला सकते हो एक ही गेम में। एक ट्रैक्टर तो गाइस हमें पहले से ही मिलता है और दूसरा ट्रैक्टर आप उस सेटिंग से बुला सकते हैं गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में आपको न्यू अपडेट में जितनी भी सेटिंग्स ऐड हुई हैं वो सारी सेटिंग्स आपको बताने वाले हैं गाइस। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो गाइस, आपको न्यू अपडेट में जो सारी सेटिंग्स ऐड हुई हैं वो सभी जाननी है। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी इसमें मत करना गाइस। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना गाइस और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी udaygaming500 जो कि स्क्रीन पर शो हो रही है गाइस। तो गाइस, मैं तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भी एक दो दिन पहले न्यू अपडेट आया है, उसमें गाइस मड मोड वगैरह सब कुछ ऐड हो चुका है आपके गेम में भी। जिसने भी अपडेट नहीं किया है जल्दी से अपडेट कर लो जाकर। अगर गाइस अपडेट नहीं किया है आपने तो कर लो जाकर, वरना आपको सेटिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो गाइस, दो ट्रैक्टर वाली सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको ऑप्शंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपके सामने बहुत से ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको उनमें से एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्पैन व्हीकल का, उसके पास ही गाइस एक ऑप्शन होगा स्पैन एआई व्हीकल का गाइस, और एआई ऑफ होगा गाइस। और अगर गाइस आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो गाइस वो एआई वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा गाइस, और गाइस आगे से एक ट्रैक्टर गिरेगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कुछ इस तरह से दूसरा ट्रैक्टर गिरेगा जब उस पर आप क्लिक करेंगे उसे ऑन करेंगे तब। तो गाइस देख सकते हैं आप, दो ट्रैक्टर हमारे गेम में ऐड हो चुके हैं गाइस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस, आप सोच रहे होगा कि उसे चलाएं कैसे, उसे कैसे ड्राइव करें दूसरे वाले ट्रैक्टर को। तो आपको कोने में कस्टमाइज के नीचे एक छोटा सा ट्रैक्टर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है गाइस, तो आप दूसरे ट्रैक्टर पर पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह से, देख सकते हैं अब मैं दूसरे ट्रैक्टर पर आ चुका हूं गाइस। तो इस तरह से गाइस आप आसानी से दोनों ट्रैक्टरों को ड्राइव कर सकते हैं। और गाइस, आपको फ्रंट टोचन और बैक टोचन तो पता ही होगा कैसे किया जाता है, अगर नहीं पता है तो चलो आपको बता दें। तो उसके लिए गाइस आपको ट्रैक्टर के सीध में बिल्कुल बैक साइड में ट्रैक्टर को लगा देना है, तो इस तरह से एक ऑप्शन मिल जाएगा चैन वाला, तो उस पर क्लिक कर देना है तो दोनों ट्रैक्टरों के बीच चैन जुड़ जाएगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप बैक टोचन कर सकते हैं, अगर एक ट्रैक्टर के आगे दूसरा ट्रैक्टर लगाएंगे तो इस तरह से फ्रंट टोचन कर सकते हैं आप। और गाइस, आपको एक साइड में एआई ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो इससे गाइस क्या होता है आपको बता दें, इससे गाइस क्या होता है अगर आप एक ट्रैक्टर को ड्राइव कर रहे हो तो गाइस अगर एआई को ऑन कर दे हुए तो गाइस दूसरा ट्रैक्टर भी चलने लगेगा अपने आप, यानी कि गाइस जब आप अपना ट्रैक्टर चलाओगे तो वो वाला ट्रैक्टर भी चलेगा, और रोक दोगे अपना ट्रैक्टर तो वो वाला ट्रैक्टर भी रुक जाएगा, और इसे ऑफ कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। और गाइस, इसके नीचे आपको एआई पावर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप हाई लो और मीडियम कर सकते हैं। और गाइस, इसके नीचे आपको एआई गियर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप गियर वगैरह सेट कर सकते हैं। तो गाइस, जो न्यू अपडेट में सेटिंग्स ऐड हुए हैं वो आपको सारी मैंने बता दी है इस वीडियो में, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।